नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित एक अस्पताल में पिता की डायलिसिस कराने गई नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर 16 स्थित महिला थाना की प्रभारी इंस्पेक्टर गीता और अनुसंधान अधिकारी सब इंस्पेक्टर माया ने दुष्कर्म के आरोपी को वारदात के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान शहर के हनुमान नगर भारत कॉलोनी निवासी राजकिशोर के तौर पर की गई है, जो अस्पताल में ही हाउसकीपिंग का कार्य करता है। प्रवक्ता ने बताया कि घटना 21 अगस्त को तब हुई जब 14 वर्षीय पीड़िता पिता का डायलिसिस कराने के लिए सेक्टर 16 के अस्पताल गई थी। उन्होंने बताया कि शिकायत के मुताबिक डायलिसिस शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद पीड़िता शौचालय गई थी और जब वह बाहर आई तो आरोपी बाहर खड़ा था। आरोप है कि आरोपी कुछ काम का बहाना बना लड़की को अस्पताल के 20 मिनट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने घटना की जानकारी परिवार को दी, जिन्होंने तुरंत इसकी सूचना महिला थाना सेक्टर 16 को दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण कराया। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ऑलैंड की रिपोर्ट। अपना परिचय देंगे, कौन है? मेरा नाम पारस भारद्वाज है और मैं से फरीदाबाद के नाम से हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं। तो आज जो है ये QRG हॉस्पिटल के अंदर एक 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक मामला जो है वो आया है, तो उसी के लिए हम लोग आज ये महिला थाने के अंदर आए हुए हैं। और बच्ची जो है वो अपने पिता का डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल में आती थी, तो आज उसको जबरन खींचकर उसके साथ बेसन में ले जाकर जो है ये दुष्कर्म किया गया है। तो जिसके लिए मतलब बहुत शर्मसार घटना है शहर के लिए। एक दुष्कर्म करने वाले कौन लोग थे? दुष्कर्म करने वालों की तो अभी पूरी जानकारी नहीं है कि कौन है, लेकिन पकड़ लिए गए हों जो आदमी जो लड़का है जिसने किया है वो पकड़ लिया गया है। हॉस्पिटल का कर्मचारी? हॉस्पिटल का ही कर्मचारी है। कितनी गंभीर घटना मानते हैं कि हॉस्पिटल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इलाज कराने के लिए जो अपने फादर के साथ आई थी वो भी नाबालिग? देखिए, गंभीर से ज़्यादा ये शर्मसार करने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये। और वो भी आप सोचिए कि आज के त्यौहार, जबकि हम रक्षाबंधन की बात करते हैं जिसमें बेटियों का बहनों का त्यौहार जो है उसकी संध्या पर जो है आज इस तरह का काम हुआ, तो इससे ज़्यादा मानवता को और एक उसको शर्मसार करने वाला कोई कर्म हो नहीं सकता। मतलब इससे बड़ा पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उस लड़के को जो है उसको अरेस्ट कर लिया है, शायद कंप्लेंट लिखी है। कुछ जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने दबाव बनाया है, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। तो किया है, उससे पहले तो शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रशासन जो है अपना जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उसने लड़की के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये तो अब पता चलेगा, जाँच का विषय है, जब आगे और की जाएंगे तो पता चलेगा। वरुण भाई, बच्ची के साथ में हॉस्पिटल में बलात्कार की घटना सामने आई है, थाने पहुंचे हो, क्या मामला है पूरा, कहां का मामला है? हम 3-4 घंटे से यहीं पे हैं। दिन में 1 बजे का मामला है, 11 बजे अपने पापा के साथ एक 14 साल की बच्ची डायलिसिस करवाने गई थी और वहां पे उनके साथ ये इस तरह की हरकत हुई है। और मैं इसमें शर्मसार होने वाली घटना है ये। आप ये देखिए, कितने सिक्योरिटी स्टाफ होता है किसी हॉस्पिटल में और उसके बावजूद इस तरह घटना हुई है। इतना ज़्यादा 200-300 बंदों का सिक्योरिटी स्टाफ है, उसके बाद इस तरह की हरकतें। आप देखिए, अगर कोई बिल भरे कोई एक आदमी जा सकता है क्या हॉस्पिटल से? ये इंसान जिसने ये ऐसा कृत्य किया है, ये हॉस्पिटल का ही एम्प्लॉई है। आई डोंट नो सिक्योरिटी में वार्ड बॉय है, लेकिन है एम्प्लॉई उसी का ही। जो हमें बताया गुड़िया ने, मैं मिला था गुड़िया से, उससे मैंने FIR शिकायत देने से पहले मैंने उससे कन्फर्म किया था, बेटा मेरा सच में हुआ क्या था? तो उन्होंने बताया कि मैं पापा को डायलिसिस के लिए छोड़ के सामने वॉशरूम गई थी और वॉशरूम से जब बाहर आई तो एक अंकल ने मेरे से कहा कि बेटा आप थोड़ा इधर आओ, मेरे से बात करनी है। उसके वेटिंग रूम के साथ में ही सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में थोड़ा लेके और उस पर खींच के वो नीचे ले गया उन्हें और बेसमेंट में जाके 3rd फ्लोर से बेसमेंट में लेके गया और वहाँ पे नीचे सीढ़ियों के नीचे थोड़ा सा कट होता है जो, वहाँ पे ले जाके उसके साथ बर्बरता करी गई है। और उससे बड़ी बुरी बात यह है, जब लड़की ऊपर आके उसने अपनी आप बीती एक वहाँ पे जो काम कर रही थी सफाई का लेडीज को बताई, तो उनको किसी मोनिका लेडीज के पास
स्टाफ नर्स के पास लेके गई है, जो डायलिसिस के काम में व्यस्त थी उन्हें लेके गई है उनके पास, और उन्होंने कहा कि नहीं हम उस लड़के को निकाल देंगे, हम उसे टर्मिनेट कर देंगे और नौकरी भी नहीं लगने देंगे, बेटा आप कुछ मत कहो, आप कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। और जब उसने कहा पापा को बताऊंगे, अरे पापा आपकी डेथ हो जाएगी, वो बोले परेशान है आप इस तरह की बात मत करो, और उसे घर भेज दिया। उस बच्ची ने जाके फिर अपनी भाभी को बताया है, फिर उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया है, कैसे ऐसे हमारे ज्ञानेंद्र भाई है उनके पास फ़ोन आया जब हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे भी कुछ मतलब कि 3 घंटे हो गए भाई साहब, 4 घंटे होने को हैं, अभी भी हमें ये नहीं बता रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, किसी के मतलब एक अजीब सा रवैया, एक समझ में नहीं है, समझ से बाहर। अस्पताल प्रबंधन ने दबाव बनाने की कोशिश की है, देखो वो ताकतवर लोग हैं, अगर कुछ ऐसा ना होता तो भाई साहब कोविड में कितना लूटा है सभी अस्पतालों ने, मैं एक का नहीं लूंगा, सभी अस्पतालों ने, एवरीबडी नोस धांधली हुई है, एक भी कार्रवाई हो तो बताइए, पहुंच वाले लोग तो है ही, इनको क्या समझे हैं। आप ये देखिए बाप डायलिसिस पे है, क्या कर रहा है सर, बेटे की टांग टूटी पड़ी है उसके भाई की, वो लंगड़ा के चल रहा है, एक पैर पे बैसाखी लेके आया, उसकी फ्रैक्चर हो गया था, और परिवार ने ये तो पहले झेल रहा है इन चीजों को, और ऊपर से बच्ची के साथ इस तरह की हरकत। मामला दर्ज हुआ है, मामला दर्ज हो गया बता रहे हैं सर, वो मेरे ख्याल से आरोपी भी एक लड़के को लेके आए हैं, वो व्हाइट पैंट और ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट मुझे लगा वही है, और लेकिन बता नहीं रहे, क्लियर नहीं कर रहे। हाँ उन लोग मौका में आने के लिए लड़की को जरूर वहाँ हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।